ভীষণ দুষ্ট, সবাই অতিষ্ঠ তার দুষ্টমিতে। কিন্তু মাঝে মাঝেই সে দৌড়ে ফেরে ঘরে, মাকে খুঁজতে থাকে ব্যাকুল হয়ে, সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে ডাকতে থাকে, ও মা চুপ করে থাক। সুস্মিতা না এবার ডেকে নেবো, সেম ছোট ছোট মেয়েদের কথাটা হচ্ছে। বসুদেব আর দেবকী জি কি সন্তান, আটবার সন্তান হতে হুয়ে ভি वो नंदराज के घर में बड़ा हुआ। जी हाँ। क्यों? क्यों? मतलब आप जानती हैं तो बताएं ना प्लीज। मतलब ये जानती हूँ कि वो वहाँ पैदा हुआ था। बड़ा हुआ था पर आगे नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। कारण कौन सो जानते हैं? তার বোন দেবকীর গর্ভে যে অষ্টম সন্তান জন্মাবে সেই হবে কংসের মৃত্যুর কারণ। তাই বসুদেব আর দেবকীকে বন্দী করেন তিনি, তাদের সাতজন সন্তানকেও মেরে ফেলেন। কিন্তু অষ্টম সন্তানকে নিয়ে বসুদেব পালিয়ে যান নন্দ রাজার ঘরে। আচ্ছা জি, এক মিনিট, দু মিনিট বলি জি, কি বল জেল সে কেসে নিকলে? জেল সে আপনি মে বাদা দাও, ধীরে 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 ধীরে, তাহলে তোমরা গানা হয়ে যায়। ফিট ঠিক আছে, ওকে ফিট ঠিক আছে। Oh,
टैलेंट आपके अंदर ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहे हैं, ये हम लोगों को चाहिए। आप शुरू का दिन का सोचो और आज आप क्या गा रहे हो परफेक्ट मैंने ट्यून में, और सबसे बड़ी बात है इसमें जो फीलिंग्स आपको क्या है, आपको बच्चे को मिस कर रहे क्या, तभी ऐसा गाना इतना फीलिंग वाला होता है। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा, मतलब मैं तो बार बार यही बोल रहा हूँ, नेपाल में बस नेपाल में सब देख रहे हैं ना, नेपाल का बेस्ट सिंगर, शी इज द बेस्ट सिंगर इन नेपाल, डेफिनेटली डेफिनेटली तो फैंटास्टिक। मैं कल इतना कहूँगा कि फटाफाटी थैंक यू फटाफट, तुम्हारा टैगटा खूब भलो फटाफाटी, तक सबाई फटाफाटी गई जी। आप जितनी मीठी हैं आपकी आवाज भी उतनी मीठी है, वाकई आपके चेहरे से नजर आ रहा है कि आप कितनी मीठी हैं, और दुआ करते हैं कि आप आपकी मिठास लेकर और आगे बढ़े। बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, जगह है मुर्गियाँ भी बड़ी अच्छी है, थोड़ी सी आप नर्वस लगी मुझे, लेकिन दैट्स ओके, थोड़ी सा नर्वसनेस होता है, यू शुड लेट इट ओवरकम यू, विच आपने अच्छी को उसमें उसको ओवरकम करने की अच्छी कोशिश की है, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, और कुछ ऐसी ऐसी हरकतें आपने आपके गले से निकली हैं, तो जस्ट कीप इट अप। पहले आपको मैं नहीं सुना लेकिन आज पहली बार सुन रहा हूँ, एंड आपने बहुत बहुत ही दिल से गाए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, धन्यवाद। क्यों रो रही है, अच्छा गाना है आपने, खुशी महसूस, बहुत इमोशनल हो गई शायद, बहुत अच्छा गाया आपने, बिल्कुल इसमें कोई जजमेंट देने वाली बात नहीं है, संभल के सराहा के गाया आपने, दुआ करता हूँ कि आप और बेहतर गाएं। थैंक यू।